हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने रोबोट का होम बनाना और साथ में फिक्चर का भी। अगर आपको रोबोट का खाली होम बनाना है तो भी सेम तरीके से बनेगा, और फिक्चर का बनाना है तो भी सेम तरीके से बनेगा। आप देख रहोगे अभी मैं क्या बना रहा हूँ, फिक्चर के साथ होम बना रहा हूँ। तो आप कंट्रोल ग्रुप में देख रहोगे स्क्रीन के ऊपर R1+S2 लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या फिक्चर के साथ बना के दिखा रहा हूँ आपको। जब आपको फिक्चर के साथ होम बनाना है या नॉर्मल होम बनाना है तो आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, उसका नाम लिख लेना है फिक्चर होम, या तो फिक्चर के साथ बना रहा तो रोबोट बना तो रोबोट होम लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, जस्ट एक पॉइंट ऐड कर देना है, या तो पॉइंट ऐड करा हुआ है तो पहले से ऐड कर दीजिए, अगर ऐड नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, रोबोट में जाना है, रोबोट सिस्टम जस्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन के जस्ट ऊपर, फिर ऊपर से देखना है तो जो फिर आर्क वेल्डिंग वेरिएबल और इनपुट आउटपुट के जस्ट नीचे रोबोट आ जाता है। तो आप उस आइकन को जाके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है वर्क होम पोजीशन में, जो कि आपका पड़ता है सेकेंड होम पोजिशन के जस्ट ऊपर और कमांड पोजिशन के जस्ट नीचे। तो आप उस वर्क होम पोजिशन को सेलेक्ट करिए। आप देख रहे होंगे ओरिजिन पोजिशन और करंट पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। वो डिफरेंस इसलिए दिख रहा है कि अगर हम सर्वो ऑन ऑफ थोड़ा ऑन ऑफ करेंगे तो एक दो पॉइंट आगे चला जाता है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका रोबोट मतलब कि डिसेबल हो जाता है, तो आप क्या करो, उसको कुछ नहीं, हाई स्पीड करो और फॉरवर्ड बटन को प्रेस करोगे तो रोबोट अपनी पोजीशन पे अगेन आ जाएगा। अब आती है मेन बात, आपको जब होम पोजीशन बनानी है तो आपको क्या करना है, रोबोट को किसी भी पोजीशन में ला के और क्या कर देना है, मॉडिफाई और एंटर कर देना है। वर्क होम पोजीशन में आने के बाद कोई भी पोजीशन एक ले लीजिए जो आपको सुटेबल लगती है, कोई भी पोजीशन, उसको लेने के बाद रोबोट को वहाँ जाके मॉडिफाई एंटर मार देना वर्क होम पोजीशन के आने के बाद। अब क्या करना है, जब आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम बना लिया और आपका वहाँ पर कोई भी पॉइंट इंसर्ट नहीं पड़ा है, ये तो मैं सिर्फ वर्क होम पोजीशन के उसमें दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जस्ट इंसर्ट और एंटर मारना है। तो इंसर्ट और एंटर से क्या रहेगा, एक पॉइंट आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, एक पॉइंट ऐड। सेम वहाँ पर उतना करने के बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के बाद क्या कर देना है, मॉडिफाई एंटर कर देना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक होम पोजीशन का पॉइंट ऐड हो जाएगा। हो जाने के बाद ये आपका वर्क होम पोजीशन का प्रोग्राम बन चुका है। सिर्फ इतना करना है आपको, फिक्चर का है तो फिक्चर के साथ, रोबोट का है तो रोबोट के साथ। और दूसरा तरीका भी है, अगर आपका होम वर्क होम का कोई भी बना हुआ है प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, रोबोट को किसी पोजीशन पे ले जाके वहाँ पर मॉडिफाई एंटर मारना है वर्क होम पोजीशन पर, और यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पॉइंट पहले से ऐड है, यहाँ क्या कर देना है, लाकर उसे मॉडिफाई एंटर कर देना है, तो आपका यहाँ पर इस पॉइंट पर भी रोबोट का होम बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।